जो ये शो है हमने देखा ये कि कॉलेज लाइफ पे ही बेस्ड है तो आपकी क्या ऐसे कॉलेज मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं मैं अपने कॉलेज में पत्ते खेलती थी एक्चुअली एक्सपीरियंसेस <laughs> होते हैं कॉलेज में उसको कवर किया गया तो बहुत रिलेटेबल शो है आई डोंट प्रमोट जुआ <laughs> तो ऐसा कोई फेमस डायलॉग और आपका कोई फेवरेट डायलॉग हो जो आप बताना चाहो करके अभी मेरा आई थिंक जो मॉम वाला डायलॉग है ना जो सब बोलते हैं अब दिख रही हूँ कुशा अब दिख रही हूँ अब दिख रही मुझे कितने लोग मिलते हैं कह रहे अब दिख रही हूँ कुशा और मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पे तो आपको मेरा काम कैसा लगा थैंक यू <laughs> हेलो एंड वेलकम ऑन जागरण डॉट कॉम आई एम योर होस्ट वंशिका और आज उसके साथ मैं मौजूद हूँ आज जो हमारी गेस्ट है उन्हें कोई भी इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है बिकॉज शी इज वेरी टैलेंटेड शी इज वेरी इनक्रेडिबल जी हाँ टुडे वी हैव द इनक्रेडिबल कुशा अस कूशा वेलकम ऑन जागरण डॉट कॉम मेरी बात कर रहे करें तो हाँ जी आपकी

लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कैसे आपका जो पूरा वर्ल्ड है वो चेंज हो जाता है क्योंकि आप सडनली एक छोटे से गांव में जहां पर इतना एक्सपोजर नहीं होता वहां से आप एक कॉलेज जाएंगे जहां पर आपको हर तरह के लोग मिलेंगे और आप सपनों के साथ जाते हैं कि आप यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर लें तो कैसे आप अपने एस्पिरेशंस और अपने डिजायर्स को बैलेंस uh, yeah. करते हैं uh, कैसे आप दोस्त बनाते हैं उन दोस्तों का आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव होता है कैसे आपको शायद जिंदगी में पहली बार प्यार होता है बिकॉज आपको फीमेल अटेंशन मिलती है तो आपको समझ नहीं आता आप उसका क्या करें कैसे आपको अपने मैंटोर्स मिलते हैं जैसे जो आसिफ खान प्ले कर रहे हैं प्रशांत भैया का जो कहते हैं कि वो दुनिया के भैया हैं और कैसे आपको अलग अलग तरह की एक मैं कहूँगी यू नो यू आर अट्रैक्टेड टू डिफरेंट थिंग्स जो आपको शायद कभी लगा भी नहीं था कि आप होंगे सो uh, so, वो है ये शो एट इट्स कोर इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट यंग पीपल एंड हाउ दे नेविगेट कॉलिट इन देयर यंग अडल्ट ईयर्स उसके बारे में है शो uh, जो मेरा कैरेक्टर है उनका नाम है छाया छाया प्रशांत भैया की गर्लफ्रेंड है प्रशांत रजत जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है हमारे शाइन जो उसको प्ले कर रहे हैं रजत के एक तरह से क्योंकि प्रशांत रजत के करीब है तो मैं भी रजत को आ, बहुत आ, एक तरह से उनका मार्गदर्शन करती हूँ तो अम्म वहां पे उनके इंटरक्शन में कहीं ना कहीं शायद रजत को छाया अच्छी लगने लगती है हालांकि छाया उनसे बड़ी है प्रोफेसर हैं छाया खुद तो कैसे उनको अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं कॉलेज में उसको कवर किया गया है तो बहुत रिलेटेबल शो है तो जो ये शो है हमने देखा ये कि कॉलेज लाइफ पे ही बेस्ड है, तो आपकी क्या क्या, क्या तो, है। तो आपकी क्या क्या आप चुलबुली तो तो है आपकी ऐसे कॉलेज मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं मैं अपने कॉलेज में पत्ते खेलती थी एक्चुअली <laughs> <laughs> दिवाली सीजन से पहले हमारे ना मैं निफ्ट में पढ़ती थी तो निफ्ट में ना एक फॉयर नाम की एक जगह होती थी खुला सा ऐसा एक स्पेस होता था जहाँ पे स्टेर होती थी और एक कुंड होता था हुँ। कुंड में भी ऐसे स्टेयर्स एम्फीथिएटर टाइप होता था तो हम वहां बैठ के ना दस-दस रुपए की पत्ते खेलते थे आई डोंट प्रमोट जुआ <laughs> बट ऐसे मजे की जैसे शगुन की कहते हैं ना तीन पत्ती खेलते थे हम हमारे कुंड में कुछ लड़के इवनिंग क्लासेस के जो लड़के आते थे वो फुटबॉल खेलते थे तो हम ऊपर से उनका नाम चिल्लाते थे और जब वो ऊपर देखते थे तो छुप जाते थे वही जो मैं कहूंगी छिछोरी हरकतें जो लड़कियां सब 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 करते करते हैं हैं मैंने मैंने भी बहुत किया <laughs> किया है तो वो मुझे एक बार याद है मैंने बहुत ही गंदे आ, हनी चिली पोटेटो खा लिए थे जो कि सैनिटाइज जगह से नहीं खाए थे और फिर उसके बाद मुझे इतनी एसिडिटी हो गई थी और मुझे जिंदगी में पहली बार एसिडिटी हुई थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या रहा है तो कैसे मेरे दोस्त मेरे लिए इनो बुलबुल लेके आए थे अजीब अजीब किस्म की यादें हैं मेरी पर बहुत मस्ती आई टाइम एक बार जी लिया काफी है <laughs> तो आपने जो किरदार निभाया है छाया का इस वेब सीरीज में ये कितना अलग है बिकॉज आपके बैक टू तो बैक वेब सीरीज आ रही है मूवीज आ रही है आपने पहले भी काफी आ, सारी मूवीज में रोल प्ले किया है तो ये रोल कितना अलग है आपके लिए अलग ऐसे है कि एक तो ये काफी मच्योर है प्रोफेसर uh, हैं ये खुद और कॉलेज के प्रोफेसर हैं मतलब टीचर नहीं है स्कूल के कॉलेज के प्रोफेसर की एक अलग बात होती है उनमें एक अलग ठहराव एक अलग मचोरिटी होती है ये बहुत ही मच्योर है ये इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करती है मैं बहुत इम्पलसिवली रिएक्ट करती हूँ मुझे जब गुस्सा आता है तो गुस्सा आता है मैं हुँ. अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकती ये अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती है ये एक uh, बहुत ही गुस्से वाले सिचुएशन में अपने आप को काम डाउन करके सामने वाले का भी पॉइंट देख सकती है सामने वाला क्या ओपिनियन दे रहा है मैं वैसी नहीं हूँ पर कहीं ना कहीं जो ये छाया बहुत ब्रेव है शी स्टैंड अप टू पीपल मैं भी वैसी हूँ तो वहां पर हम थोड़े कॉमन है अदरवाइज तो छाया साड़ी पहन के इतनी एलिगेंट <laughs> लगती है मैं तो नहीं लग सकती हाँ, मैंने देखा जो ट्रेलर हाँ, में कॉलेज जा रही हैं बता रही हैं और ऊपर से पढ़ी बहुत पढ़ी लिखी है सिर्फ अंडर ग्रेड ही करी हुई है तो सोचिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इन्होंने कितनी पढ़ाई करी होगी तो मुझसे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपके जो को स्टार्स है उसके साथ आपकी केमिस्ट्री काफी अच्छी है तो सेट पे आपकी केमिस्ट्री उनके साथ और कुछ ऐसे यादगार मोमेंट्स हो जो, जो आप शेयर करना चाहते मेरी लखनऊ में सबसे अच्छी केमिस्ट्री खाने के साथ थी जहा मैंने खाना खाया है और मेरी सबसे जो मैं कहूँगी एक तरह का मुझे इश्क हुआ है वो टुंडे कबाब के साथ हुआ है।, है तो मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगी कि उनके साथ मेरी सबसे अच्छा रिश्ता रहा है लखनऊ के खाने के साथ और मेरे डायरेक्टर के साथ प्रशांत के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी आसिफ के साथ काम करके बहुत मज़ा आया हालांकि हमारे इतने सीन्स नहीं हैं पर जितना भी किया मुझे बहुत मज़ा आया और शाइन के साथ जिनके साथ मेरे सबसे ज्यादा सीन्स हैं उनका टैलेंट देखकर मैं मतलब बहुत अचंभित रह गई मैंने कहा क्या काम करता है लड़का सो so, जरूर शाइन का काम जरूर देखें देहाती लड़के में आसिफ तो आपको पता ही अच्छे होंगे पर शाइन राघव तनिष साम्या इन्होंने जो एक माहौल बनाया है वो देखने लायक है एंड मोस्ट यंग पीपल विल रिलेट विद इट तो कुशा आपकी जो कॉमेडी आपकी स्पेशलिटी है राइट और आप काफी अच्छी एक्टिंग भी करते हैं तो ऐसा कोई फेमस डायलॉग और आपका कोई फेवरेट डायलॉग हो जो आप बताना चाहो करके अभी मेरा आई थिंक जो मॉम वाला डायलॉग है ना जो सब बोलते हैं अब दिख रही हूँ अब दिख रही हूँ अब दिख रही <laughs> मुझे कितने लोग मिलते हैं कह अब दिख रही हूँ कुशा अभी मैं कल जब उसमें फ्लाइट में बैठी थी तो मुझे एक लड़की आई कहती क्या गोलगप्पे खाने जा रहे हो दिल्ली क्योंकि मैंने कुछ गोलगप्पो के बारे में डाला था और शुभ हम शुभो हम शुभ शुभ हम हम कुछ भी बोलती रहती हूँ मैं सो so, ये सब डायलॉग्स बहुत करीब है मेरे दिल के सो या थैंक यू तो आप दैनिक जागरण के व्यूअर्स को आ, क्या बोलना चाहेंगी दैनिक जागरण के व्यूअर्स जो हमको देख रहे हैं आप जरूर देखिए देहाती लड़के एकदम फ्री है ये शो अपनी अमेजोन शॉपिंग ऐप पर आप देखेंगे अमेजोन मिनी टीवी का आइकॉन उसको क्लिक करें वो आपको होम पेज पे ले जाएंगे एमेजॉन मिनी टीवी के और ये शो आप बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं उससे बढ़िया बात क्या है आज की डेट में जहाँ पे सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म आपसे पैसे मांग रहे हैं हम आपको फ्री में कॉन्टेंट दे रहे हैं ऊपर से ये अच्छा बना हुआ शो है तो जरूर देखें और इन्जॉय करें और मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पे तो आपको मेरा काम कैसा लगा सो थैंक यू सो मच और दैनिक जागरण के साथ जुड़ने के लिए मैं तो देखने जा रही हूँ देहाती लड़के और आप भी देखना ना भूलें ओनली ऑन अमेजॉन मिनी टीवी थैंक यू सो मच थैंक यू